नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम दे रहा है या फिर एग्जाम दिया है, उन सभी के लिए आपके स्टेनो के एग्जाम से संबंधित है। सभी लोग ध्यान दें, इस वीडियो को इतना इम्पोर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने जो फॉर्म भरा है उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। सभी लोग देखो, अपने फॉर्म को एक बार वापस देखो। जो आपने अधीनस्थ बोर्ड के अंदर फॉर्म भरा है उसको वापस देखो। कैसे? मैं यहाँ पे एक फॉर्म ओपन कर रहा हूँ जिसमें ये पॉइंट, जो आवेदन के लिए एप्लीकेशन के लिए आपको जो लगाना है उसके अंदर एक पॉइंट है। आप सभी देख लीजिए अपने अपने फॉर्म के अंदर कि आशुलिपि परीक्षा के लिए जो आप को टेस्ट है, शॉर्टहैंड का टेस्ट है, वो किस लैंग्वेज के अंदर है। अगर यहाँ पर आपके हिंदी लैंग्वेज है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका शॉर्टहैंड टेस्ट हिंदी में होगा। अगर आपके इंग्लिश लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि आपका जो स्टेनो का टेस्ट है वो इंग्लिश में होगा। तो जिस किसी के भी, अगर कोई भी बंदा स्टेनो कर रहा है या स्टेनो पूरी कर चुका है और अधीनस्थ बोर्ड का स्किल टेस्ट देने जा रहा है, तो वो लोग ध्यान दें कि अगर आपके स्टेनो हिंदी से संबंधित हो आप और आपके यहाँ पर अगर इंग्लिश लिखी हुई है फॉरम के अंदर, तो आपके टेस्ट वहाँ पर इंग्लिश में ही होगा। आपको चाहे आपने 4 साल से स्टेनो किया है, चाहे 5 साल से किया है, चाहे अभी कर रहे हो, वो लोग ध्यान रहे कि आपका टेस्ट वहाँ पर हिंदी में, अगर हिंदी में भर रखा है तो हिंदी में होगा, इंग्लिश में भर रखा है तो इंग्लिश में होगा, चाहे आप किसी भी स्टेनो से बिलोंग करते हो। तो इसके लिए मैं इम्पोर्टेंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि आपके जो स्किल टेस्ट होगा वो उसी आधार पे होगा जो आपके यहाँ लैंग्वेज भरी हुई है। तो अगर किसी के गलती से लैंग्वेज हिंदी स्टेनोग्राफर है और उसके इंग्लिश भर दी है, या इंग्लिश स्टेनोग्राफर है और उसने हिंदी भर दी है, तो वो लोग ध्यान रहे अधीनस्थ बोर्ड में जाकर वहां पर बात करें। हालांकि एडिट का जो ऑप्शन था वो पहले खुल चुका है, अब खुलने के चांस कम है, फिर भी आप कोशिश करो। और मेरे हिसाब से जहां तक है कि अधीनस्थ बोर्ड आपकी बात सुन लेगा, आप एप्लीकेशन लगा देना, साथ में एफिडेविट लगा देना कोर्ट से। वो चीज करके आप यहाँ पर, अगर हिंदी स्टेनो 2-3 साल से कर रहे हो और आपके यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है, तो आप चेंज करवा सकते हो हिंदी। वो बोर्ड में जाके पता करना पड़ेगा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में मैं कंफर्म भी नहीं बोल सकता हूँ। पर सभी लोग स्किल टेस्ट देने से पहले ये चीज अपनी ध्यान ले कि भाई आपके जो स्टेनो टेस्ट होगा वो किस में होगा। अगर आपके यहाँ पर हिंदी भरा हुआ है तो आपके हिंदी स्टेनो में होगा, और इंग्लिश भरा हुआ है तो इंग्लिश स्टेनो में होगा। अब आपको ये फॉर्म कहाँ पे मिलेगा? अगर किसी के पास फॉर्म नहीं मिल रहा है तो वो लोग ध्यान दे, अपनी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट खोलो, नेट नेट कनेक्ट करके गूगल में खोलो और वहां पे SSO ID लिख के एंटर दबा दो। SSO ID खुलेगी, तो ये राजस्थान SSO ID खोलो, और SSO ID के अंदर वही चीज है जहां से आपने रोल नंबर, अपने नंबर वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह जो आपने निकाला था, वो चीज सेम ही इसके अंदर लागू होगी। और SSO ID और पासवर्ड आपको इसके अंदर डालना है। अब वेबसाइट के अंदर आपको क्या करना है, SSO ID के अंदर SSO ID में ID और पासवर्ड डालो और उसका आप लॉगिन करो। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप अपनी SSO ID, जो भी आपकी SSO ID है, वो SSO ID डालो और यहाँ पे पासवर्ड डालो और कैप्चर डाल के, और यहाँ से आप लॉगिन करो। और उसके आगे फॉर्म कहाँ से निकालना वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। मैं अभी यहाँ पर SSO ID डाल रहा हूँ मेरी। और अगर आपके फॉरगेट, अगर आप किसी को कोई भूल गया है तो यहाँ से फॉरगेट कर लीजिए आप। तो मैं अपनी SSO ID वगैरह यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ से अपनी SSO ID वगैरह डाल लीजिए। तो यहाँ पर आप SSO ID डालने के बाद में, जैसे SSO ID आप लॉगिन करोगे, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट पोर्टल, अगर किसी के रिक्वायरमेंट पोर्टल नहीं मिल रहा है तो यहाँ से आप रिक्वायरमेंट लिख के, या रिक्वायरमेंट पोर्टल, रिक्वायरमेंट पोर्टल के अंदर दो होता है, एक स्ट्रिक्ट टू होता है और एक रिक्वायरमेंट पोर्टल होता है। तो आपके किस में फॉर्म भरा हुआ है वो चीज ध्यान से देख के उसको खोलो। अब रिक्वायरमेंट पोर्टल खोलने के बाद में, आप जब रिक्वायरमेंट पोर्टल आपका खुल जाता है
तो उसके बाद में आपका जो जहाँ से जो जो आपने एप्लीकेशन लगाया है फॉर्म, वो सारे इसमें फॉर्म आ जाएंगे, और वहाँ से आप अपना फॉर्म डाउनलोड करें और उसके अंदर आप अपना देखिए कि फॉर्म के अंदर लैंग्वेज कौन सी भर रखी है, स्टेनो हिंदी भर रखा है या फिर स्टेनो इंग्लिश भर रखा है। जब आपका ये एसएसओ पोर्टल खुल जाता है तो इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर होम दे रखा है सबसे ऊपर, उसके पास में माई रिक्वायरमेंट, और माई रिक्वायरमेंट के अंदर आप क्लिक करो, और यहाँ से आप माई रिक्वायरमेंट के अंदर जैसे ही क्लिक करोगे जो भी आपके फॉर्म एप्लीकेशन भर रखा है, जैसे ये रहा इससे 2 नंबर पे सेकंड में स्टेनोग्राफर 2018 का जो आरएसएससी बोर्ड के द्वारा आया है, यहाँ पर आप व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करें और वहां पर आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके अंदर पूरा आप देख सकते हो कि फॉर्म के अंदर आपके क्या क्या भर रखा है, हिंदी भर रखा है या इंग्लिश भर रखा है। इसके अलावा आप अगर अधीनस्थ बोर्ड का रिजल्ट देखना चाहते हो तो यहाँ से रिजल्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने जो भी नंबर आए वो रिजल्ट में यहाँ से गेट रिजल्ट करके देख लीजिए। अब इसके अंदर अगर आप पास हो रखे हैं कि भाई अधीनस्थ बोर्ड में स्किल टेस्ट सब कुछ सही भर रखा है, तो आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हो तो गुरुकुल स्टेनो डॉट कॉम एक वेब पोर्टल है जिसके अंदर आपके बेहतरीन डिक्टेशन उपलब्ध है। इसके अलावा आप एक से एक बढ़िया डिक्टेशन है, बहुत ही नाम मात्र शुल्क है इसके अंदर। आप एक बार रजिस्ट्रेशन करिए, 5 दिन का डेमो मिल रहा है आपको, यहाँ से क्लिक हर टू रजिस्ट्रेशन करिए, सबसे ऊपर गुरुकुल स्टैंडर्ड डॉट कॉम लगाइए, वेबसाइट खोले, और ये वेबसाइट जैसे ही खुल जाती है तो आप यहाँ से क्लिक हर टू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करके लॉग इन करिए। लॉग इन करने के बाद में 5 दिन का डेमो लीजिए, 5 दिन टेस्ट दीजिए, अच्छा लगता है तो इसको आप खरीदिए, और खरीदने के बाद में या खरीदने से पहले एक बार जब टेस्ट दोगे तो आपको लगेगा वाकई के अंदर क्या हमने एक स्टेनो का जो क्षेत्र के अंदर क्रांति लाए हैं वो एक तरह से एक क्रांति है। अब आप देखिए, मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ गुरुकुल स्टेनो के बारे में भी। यहाँ से मैं लॉग इन करता हूँ आईडी अपनी कोई भी एक, आप यहाँ पे जब गुरुकुल स्टेनो डॉट कॉम जब आप लॉग इन करके अंदर खोलते हो तो यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर आपको दिशा निर्देश दे रखे हैं क्या क्या प्रयोग करना है क्या क्या नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पर लर्निंग टेस्ट, अब लर्निंग टेस्ट के अंदर क्या है, आपके कम स्पीड के डिक्टेशन है जिसके अंदर स्पीड 60 से लगा के 80 की स्पीड के बीच में डिक्टेशन आते हैं, और स्पीड टेस्ट के अंदर क्या होता है आपके कि एक से एक अलग अलग स्पीड के अंदर रोजाना के 5 से 7 डिक्टेशन आते हैं, और डिक्टेशन आने के बाद में सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है कि इसके अंदर आपके रिजल्ट के साथ में हाथों हाथ रिजल्ट और उसके साथ में किस किस ने बंदे ने एग्जाम दिया है, अलग से एक रोल नंबर जारी होते हैं, और उस रोल नंबर के अंदर आपके साथ में कंपेयर किया जाता है कि भाई इसके इतनी गलती आई आपके इतनी गलती आई, ये कंपिटिशन का माहौल मिलता है। लगभग अधीनस्थ बोर्ड की तैयारी करने वाले 200 लड़के इसमें जो बढ़िया से बढ़िया स्टेनो है जिनकी 100 स्पीड है वो लोग यहाँ पे टेस्ट देते हैं डेली, तो आप लोग भी इसमें प्रतिभागी बने और एक कंपटीशन का जो माहौल है इसके अंदर आप घुसे ताकि आपको पता चले आपकी वास्तविक स्थिति कि आप कहाँ पर हो। जैसे ही आप स्पीड टेस्ट पे यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे स्पीड टेस्ट के अंदर आपको देखो एक से एक बढ़ के यहाँ पर टेस्ट मिल के जाएंगे, अलग अलग स्पीड के अंदर लगभग 80-90 टेस्ट है इसके अंदर, और डेली रोजाना के ये 14 तारीख से चालू हुई थी, 14 तारीख से टेस्ट सीरीज चालू हुई थी, और रोजाना के 5 या 6 डिक्टेशन अपलोड होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये तो लाइव टेस्ट होता है, जो लाइव टेस्ट लाइव क्लास के अंदर होता है वो अलग टेस्ट होता है, आप लोगों के लिए नहीं है। तो आप लोग अगर इसमें लाइव क्लास में जुड़ जाते हो तो आपको ये टेस्ट में आप प्रतिभागी बन सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल किस किस ने एग्जाम दिया लाइव का, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, यहाँ से आप टेस्ट प्ले ऑडियो करें, आपको ऑडियो सुनाई नहीं देगा क्योंकि ये आपके लाइव टेस्ट था, इसके अंदर ऑडियो होगा भी नहीं। तो आप जैसे ही यहाँ से ऑडियो को आगे स्किप कीजिए, और स्किप करने के बाद में जैसे ही आप टेस्ट को सबमिट करते हैं तो आपके पता चल जाएगा कि किस किस बंदे ने टेस्ट दिया है और किस किस बंदे ने टेस्ट कितनी गलती आई। मैं यहाँ पे ऐसे ही एक बार कुछ भी लिख के देता हूँ, तो यहाँ पे लिख के मैं सबमिट कर देता हूँ यहाँ से, और जैसे ही सबमिट करूंगा तो यहाँ पे कॉपी जो शीट आएगी जो इसके अंदर पेपर में था
कितने वर्ड का पेपर था वो सारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं रिजल्ट के अंदर जाऊंगा, रिजल्ट के अंदर जाता हूँ तो रिजल्ट के अंदर देखो आपको मिलेगा अभी जो टेस्ट था 8 नंबर लाइव टेस्ट, यहाँ पर 8 लाइव जो टेस्ट था उसके अंदर कंपेयर में जाते हैं अपन, 100 में तो आपकी कॉपी 100 होगी और कंपेयर में जाते हैं। और जैसे ही कंपेयर में जाते हैं तो कंपेयर के अंदर जिस जिस बंदे ने जो टेस्ट दिया है उसके सारा का बताएगा। देखो सबसे पहले एक बंदा है जिसने, ये रोल नंबर है जिसके, और इसने लाइव टेस्ट दिया, ये लाइव क्लास के बंदे हैं जो लाइव क्लास में एडमिशन है, उनकी एक गलती आई है, सिर्फ और सिर्फ एक गलती आई है, 5वीं रैंक, दूसरे की 5 गलती आई है। और हमारा नंबर तो यहाँ से 10 की सीरीज शो कर लेते हैं तो हमारा नंबर तो लास्ट में ही होगा क्योंकि ऐसे सबमिट किया है तो ये लास्ट में यू आ जाता है, ये बंदों ने ऐसे सबमिट किया। बाकी को ये देखो 600 वर्ड के अंदर जो गलतियाँ है ये यहाँ पे सारे एक से एक बढ़ के 25 जने तो ऐसे हैं जो पास हो रखे हैं, 25-30 जने तो जिसके 100 से कम गलतियाँ है। ये देखो ये सारा एक कंपेयर का सिस्टम मिल जाता है आपको। इसके अलावा और भी रिजल्ट है तो बाकी रिजल्ट के अंदर भी कंपेयर देख लेते हैं। एक डेमो टेस्ट है इसके अंदर देखो आप, जैसे मैंने टेस्ट दिया था पहले तो यहाँ पे ये किस किस के बंदे की कितनी गलती आई है ये सारी चीज़ें बता रखे, आपके कितनी आई है और टोटल वर्ड कितने थे, टाइप कितने किए और इनकरेक्ट कितने में और रैंक क्या आई, ये सारी चीज़ें इस वेबसाइट के अंदर है। सबसे ज़रूरी है कि भाई आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है उसके साथ में आपको एक कंपटीशन का माहौल मिल रहा है और वो चीज़ आप यहाँ से इसकी सदस्यता प्राप्त करके आप पहले 5 दिन का डेमो लीजिए और डेमो लेने के बाद में इसकी आप आगे आके इसमें सदस्यता ग्रहण करके इसको ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद में आपको अधीनस्थ बोर्ड के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये विशेष रूप से उसी के लिए चलाई गई टेस्ट सीरीज है जिसमें देखो आप 29 तारीख को ये देखो आपके 6 डिक्टेशन अपलोड है, 29 तारीख के 6 अपलोड है, इसी तरह 28 तारीख के देखो ये 5 अपलोड है, इसी तरह डेली के टेस्ट 5 या 6 और स्पीड देखो उनकी कितने की, 90 की स्पीड, 120 की स्पीड, 110 की स्पीड, 100 की स्पीड, 90 की स्पीड, 75 की स्पीड, 90 की स्पीड, 100 की स्पीड, 100 की स्पीड, 90 की स्पीड, 80 की स्पीड, अलग अलग स्पीड के अंदर देख लो आप, हर एक स्पीड इसके अंदर मेंशन है, 70 से लगा के 60 से लगा के 120 तक जो भी टेस्ट चाहिए एक टेस्ट आपकी स्पीड के अंदर आपको मिल जाएगा। और वर्ड भी कम नहीं है, 1000 वर्ड, 600 वर्ड, 700 वर्ड, 500 वर्ड इस टाइप के वर्ड है। और टाइम भी आपको मेंशन करते हुए यहाँ पे बताया जाएगा कि इसके अंदर आपको टाइप करना है। तो सबसे पहले तो आप चेक कीजिए कि आपकी जो लैंग्वेज है वो स्टेनो हिंदी है या इंग्लिश है, उसके बावजूद अगर करेक्शन होता है तो करेक्शन करवाओ और उसके बाद में आप अगर स्टेनो के सब कुछ सही है तो gurukulstenno.com पे आओ और अपना जो तैयारी है वो तैयारी को अब 4 चांद लगा दो। चलो धन्यवाद, थैंक यू, आप सभी का आभार। आगे वाले वीडियो के अंदर एक बढ़िया सा मैं आपके साथ में लेके आ रहा हूँ कॉपी चेक से संबंधित, वो बहुत ही जल्द लेके आऊँगा कि आपकी कॉपी कैसे चेक होती है और एक इसके अलावा अधीनस्थ बोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें रूल लागू होगी वो भी मैं आपके सामने बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। तब तक बने रहिए गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर और gurukulstenno.com पर।